हेलो एवरीवन, आज हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, ठीक है, अलग अलग तरह की एंथैल्पी हमने की थी। एंथैल्पी चेंज हमने किया था जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन मींस कितनी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी जब हम एक मोल लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मींस कितनी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जब हम एक मोल सॉलिड को डायरेक्ट, वन मोल सॉलिड को डायरेक्ट चेंज करते हैं वेपर फॉर्म में, ठीक है, या फिर गैसियस फॉर्म में, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं डैलेज सब्लिमेशन, क्लियर है, डैलेज सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस क्या थे? देखिए, जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हमें किसी सिस्टम की एनर्जी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल होता है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्लियर है। तो अब तक हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, लेकिन हमने जो फर्स्ट लॉ है उसमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मींस कौन सी रिएक्शन नेचुरली अकरिंग होगी, ठीक है, नेचुरली अकर करेगी कौन सी रिएक्शन, या कौन सी रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करेगी या अपने आप फिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई किसी रिएक्शन की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया। जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो हीट है वो क्यों फ्लो करती है हॉट मीडियम टू कोल्ड मीडियम, क्लियर है, हॉट मीडियम टू कोल्ड मीडियम क्यों फ्लो करती है, या फिर जो भी है वाटर क्यों फ्लो करता है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है, अपर लेवल से लोअर लेवल में क्यों फ्लो कर सकता है वाटर, ठीक है। तो इस चीज के बारे में, इस स्पॉन्टेनिटी के बारे में, इन जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, हमारे जो डेली लाइफ में रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे एक कप ऑफ टी बिकम्स कोल्ड इफ वी पुट इन आउटर एटमोसफियर, ठीक है, अगर मैं एटमोसफियर में रख देता हूँ तो एक चाय का कप ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में, इस स्पॉन्टेनिटी के बारे में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हाँ जी, नाम से क्लियर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, जो अपने आप हो जाते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। द प्रोसेस विच अंडर सेम कंडीशंस मे टेक्स प्लेस इटसेल्फ, द प्रोसेस विच अंडर सम कंडीशंस, अंडर सम कंडीशंस मे टेक्स प्लेस इटसेल्फ, मे टेक्स प्लेस इटसेल्फ मींस कुछ कंडीशंस में जो अपने आप हो जाते हैं, और बाय इनिशिएशन, और बाय इनिशिएशन, इनिशिएशन, ठीक है, किसी भी कंडीशन में जो प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इनटू वाटर, अगर मैं कॉमन साल्ट को वाटर के अंदर डालता हूं तो वो अपने आप डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, अगर मैं ओपन वेसल में, ओपन कंटेनर में वाटर को रख देता हूं,
जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, ठीक है, हाँ जी, हीट का फ्लो करना हॉट एंड से कोल्ड एंड, जैसे आपको आपने देखा भी होगा, अगर आपका जो रूम है किचन के पास है तो वो हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहता है, क्योंकि किचन से जो हॉट जो रेडिएशंस रेज जो निकलती है वो कहाँ जाती है, आपके रूम के अंदर जाती है। तो मींस हीट जो फ्लो करती है वो हॉट एंड टू कोल्ड एंड में फ्लो करती है, क्लियर। हाँ जी, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है हमारे पास। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन टू हिल, ठीक है, मतलब जो वाटर है वो हिल से, वो पहाड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है, ये भी एक हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या फिर रिएक्शन के टर्म में मैं बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से वाटर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, H2O बनता है, और ये भी हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। लाइक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है तो वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, या फिर हम बोल सकते हैं CO2 गैस रिलीज होती है, ये भी एक हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप नहीं होता, ठीक है, जो प्रोसेस अपने आप नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ए प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन। द प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक्स प्लेस itself nor initiation, वो प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकता, या वो प्रोसेस जो नेचुरली अक्रिंग नहीं होता, वो हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्लो ऑफ वाटर अप टू हिल। नंबर फर्स्ट, फ्लो ऑफ वाटर अप टू हिल, क्लियर है। हाँ जी, पहाड़ पर पानी अपने आप नहीं चढ़ सकता, क्लियर है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, ठीक है, हीट फ्लो नहीं कर सकती, कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सैंड पार्टिकल्स को हम वाटर में डिसोल्व, या सैंड पार्टिकल्स वाटर में डिसोल्व नहीं हो सकते, ठीक है, सैंड इन वाटर, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, ये सारे के सारे हमारे पास होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं ड्राइविंग फोर्सेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कारण है कि जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या रीजन होगा, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस, द फोर्सेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, ड्राइविंग फोर्सेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लियर। हाँ जी, ऐसे क्या रीजन है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्या रीजन है, जो चाय का कप है वो ठंडा हो जाता है अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, उनके पीछे क्या रीजन होगा, नंबर फर्स्ट, पहली जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो होगी टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। नंबर फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स होगी टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। मींस अगर किसी रिएक्शन की एनर्जी मिनिमम होती है
ठीक है। एनर्जी अगर मिनिमम हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो वो प्रोसेस अक्कर करेगा, ठीक है, वो प्रोसेस होगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या होगा, कंप्लीट करेगा या फिर प्रोसीड होगी, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं वाटर फ्लो करता है डाउन टू हिल, वाटर फ्लो डाउन टू हिल ड्यू टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे आने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो मिनिमम हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, हम बोल सकते हैं वाटर फ्लो डाउन टू हिल टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, क्लियर है। और अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो उसके पास स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाती है, ठीक है। और हर कोई रिएक्शन स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी, इसलिए वो रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। हाँ जी, हम बोल सकते हैं हीट फ्लो करती है हॉट एंड टू कोल्ड एंड, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, हीट फ्लो करती है हॉट एंड से कोल्ड एंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। और अगर एनर्जी निकल रही है तो रिएक्शन की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो रिएक्शन की एनर्जी कम हो रही है, और उसको ड्राइविंग फोर्स वही चाहिए, रिएक्शन को अपनी एनर्जी को कम करना है ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं चाय का कप ठंडा होगा क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, अपनी मिनिमम एनर्जी को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, ठीक है। और बोल सकते हैं कि जो हीट है वो फ्लो करेगी हॉट एंड टू कोल्ड एंड, और एक ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बनता है, ठीक है। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है इस रिएक्शन के लिए होता है -285.8 किलो जूल पर मोल, -285.8 किलो जूल पर मोल। मींस इसमें हमने क्या देखा है कि इसमें से हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज क्या है, माइनस में है, माइनस में है, तो इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और वही रिएक्शन को चाहिए, वही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है, ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा, इसने कम कर दी है, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो ये एक क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बना, और ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, N2+3H2 हैपर प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2NH3, इसके लिए एंथैल्पी चेंज होता है, डायरेक्ट नोट होता है इसके लिए -92.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, ठीक है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन की एनर्जी कम हो रही है, और एक ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड निकालते हैं, इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, जितनी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होंगी वो सारे की सारी स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है, वो सारे की सारी स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें से, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो
रिएक्शन की जो एनर्जी है वो मिनिमम हो रही है, ठीक है, रिएक्शन की मिनिमम एनर्जी हो रही है, वही उसकी स्पॉन्टेनिटी की ड्राइविंग फोर्स बनती है, ठीक है, और रिएक्शन प्रोसीड करती है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट लिमिटेशंस, ड्राइविंग फोर्स तो हमें मिल गई थी कि किसी भी रिएक्शन की, किसी भी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कई हमारे पास ऐसे केस है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं लेकिन उनकी एनर्जी रिलीज नहीं होती, वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक होते हैं, जैसे वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, हमारे पास वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं ओपन वेसल में वाटर को रख देता हूं, ठीक है, ओपन वेसल में रख देता हूं वाटर को, तो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, मुझे दिख रहा है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, H2O लिक्विड से H2O गैसेस में जब चेंज होता है, वेपर में जब चेंज होता है, उसके लिए डेलच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके लिए डेलच पॉजिटिव होता है, मींस लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है और वेपर की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक होती है, क्लियर है। लेकिन अभी हमने बोला है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है और मिनिमम एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यहां पर एनर्जी ज्यादा हो रही है क्योंकि रिएक्शन ने एनर्जी को लिया है, एब्सॉर्ब किया है, लेकिन फिर भी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानी जाती है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं H2O सॉलिड से चेंज होता है H2O लिक्विड में, क्लियर है। जब आइस से आइस वाटर में चेंज होता है तो इसका मतलब क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है या हीट को एब्सॉर्ब करता है, और एक ये क्या बन जाता है, डेलच इसके लिए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स ये स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, बट हम सॉलिड टू लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, आइस को अगर मैं रख देता हूं एनवायरमेंट में तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स थी उसमें क्या आ गई, लिमिटेशंस आ गई हैं, ठीक है। इस लिमिटेशंस को फुलफिल करने के लिए हम नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स होगी वो होगी टू गेन मैक्सिमम रैंडमनेस, सेकेंड ड्राइविंग फोर्स होगी टू गेन मैक्सिमम रैंडमनेस, टू गेन मैक्सिमम रैंडमनेस, रैंडमनेस, क्लियर है। हाँ जी, फर्स्ट जो ड्राइविंग फोर्स थी वो थी कि टू गेन मिनिमम एनर्जी, ठीक है, सिस्टम की जो रिएक्शन की एनर्जी है वो मिनिमम हो जानी चाहिए और जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या हो गई, फेल हो गई है, ठीक है, कुछ एक केसेस में वो फेल हो गई थी। नेक्स्ट जो ड्राइविंग फोर्स है वो होगी टू गेन मैक्सिमम रैंडमनेस, रैंडमनेस मैक्सिमम होनी चाहिए, रैंडमनेस होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, अगर किसी रिएक्शन में डिसऑर्डर ज्यादा आता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ जी, जैसे डिसऑर्डर क्या होगा, मेरे पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है, मान लो मेरे पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होगी, ये ए गैस है जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये बी गैस है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, मैंने यहां पर एक कोर्क लगा दिया है, ठीक है, कोर्क लगा दिया ताकि ये एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है, ये बी गैस है, दोनों ही नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगर मैं इस कोर्क को हटा देता हूं, इस कोर्क को हटा देता हूं, तो ये गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी, हालांकि रिएक्ट नहीं करती है, ये गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी, तो इनमें क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, रैंडमनेस बोलते हैं, मींस किसी भी रिएक्शन में अगर रैंडमनेस, अगर डिसऑर्डर ज्यादा आता है तो वो क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है। हाँ जी,
जैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं एग्जांपल से, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था कि मिनिमम एनर्जी जिनके पास होती है वो स्पॉन्टेनियंस होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। हाँ जी, लेकिन फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स फेल हो गया था जब हमने बोला था कि H2O लिक्विड चेंज हो जाता है H2O गैसियस में, वेपर की फॉर्म में, और ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक डैमेज पॉजिटिव, ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक डैमेज पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स ये फेल हो गई थी थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड ड्राइविंग फोर्स इस पर अप्लाई करता हूं, मुझे पता है रिएक्टेंट में लिक्विड है और ये बन रहा है गैसियस वेपर, ठीक है। मुझे पता है कि जो डिसऑर्डर होता है वो गैसियस पार्टिकल्स में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल है वो इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है, उनके अंदर डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल है उनके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है, उनमें डिसऑर्डर कम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिसऑर्डर होता है गैसियस पार्टिकल्स में, क्लियर, क्योंकि थोड़ी सी अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है लिक्विड के पार्टिकल्स में, तो उनमें डिसऑर्डर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। और सॉलिड में डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कम होगा क्योंकि वो वेल पैक्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, क्लियर है। तो हम देख सकते हैं कि इनमें क्या आ रहा है, डिसऑर्डर ज्यादा आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड जो ड्राइविंग फोर्स है ये क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे, या फिर लास्ट हमने किया था H2O सॉलिड टू चेंज हो सकता है H2O लिक्विड जब आइस वाटर आइस कन्वर्ट हो रहा था वाटर की फॉर्म में। हाँ जी, सॉलिड में डिसऑर्डर कम होता है और लिक्विड में डिसऑर्डर ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम रेंडमनेस, मैक्सिमम डिसऑर्डर गेन करती है रिएक्शन, और मैक्सिमम डिसऑर्डर गेन करती है तो इसीलिए ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानी जाती है, क्लियर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानी जाती है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, डिसोसिएट होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CO2 गैस, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे पता है ये रिएक्शन क्या होगी, इसके लिए डैमेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, इसके लिए डैमेज पॉजिटिव होता है सर, इसके लिए डैमेज पॉजिटिव होता है, मींस ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस उसमें से रिलीज हो जाती है, ठीक है। अगर ये एंडोथर्मिक है तो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स को वायलेट करता है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स को वायलेट करता है, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड है और गैस गैसियस CO2 को ये रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ये क्या होगी, इसमें डिसऑर्डर ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्लियर है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, हम कंक्लूड निकाल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम दो ड्राइविंग फोर्स से कंपेयर करेंगे, या तो नंबर फर्स्ट उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, या फिर उसकी जो रेंडमनेस है मैक्सिमम होनी चाहिए, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।